स्वागत है। खबर लखनऊ से है। उपनगर आयुक्त संतोष यादव ने दी गालियां, नगर निगम के बाबू को दी बद्दी बद्दी गाली। उपनगर आयुक्त ने नगर आयुक्त को भी नहीं छोड़ा। खबर लखनऊ से। उपनगर आयुक्त ने नगर आयुक्त को भी नहीं छोड़ा, बद्दी बद्दी गालियां दी जम के। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। क्या कुछ का उपनगर आयुक्त ने आपको दिखा रहे हैं। रमेश बाबू जी सर, क्या हुआ हमारा उसका? हेलो। हाँ, क्या हुआ हमारे वेतन वाला? अब वो सर, वो सेंक्शन लेनी है सर से, फिक्सेशन कर दिया है सर्विस बुक में। हाँ। वो सब कर दिया है सर। अब वेतन वेतन निकलेगा तो उसी के साथ होगा ना सर? हाँ हाँ, लेकिन वो काहे की कटौती की फाइल गई है नगर आयुक्त के यहाँ। कटौती की कहाँ गई है? वो राणा तो कह रहा था कोई कटौती वटौती की फाइल, पता नहीं काहे की स्वीकृति ले रहे हो। कटौती की नहीं, आपने जो है वो जो फॉर्म भरा है 152 वाला, किन्होंने फॉर्म 152 वाला भर दिया है। और दूसरा है कि एलडीए से हमारे पास लेटर आया था। कहाँ से? एलडीए से, केडीए से। क्या आया था? 3,29,823 रुपए का कोष में जमा रसीद की छाया प्रति संयुक्त रूप सचिव किराया संपत्ति कानपुर विकास कानपुर के समक्ष उपलब्ध कराने हेतु निर्देश किया गया। तो उसके बाद किसने निर्देश दिया है तुमको? निर्देश नहीं, एक लेटर आया था नगर आयुक्त की तरफ से, वहाँ के नगर आयुक्त की तरफ से। कब आया था? अरे एलडीए की तरफ से आया था, सचिव एलडीए की तरफ से। अरे तो आया होगा उस लेटर से, तुमसे क्या मतलब है? अरे हमसे नहीं मतलब, तो हमको तो मार्क हुआ है ना, तो उसमें तो हम रेफरेंस लिखेंगे ना कि क्या करना है। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब है यार, वो तुम 3,29,000 मेरे वेतन से काटोगे? नहीं, वेतन से क्यों कटेगा सर? हाँ? वेतन से कटने के लिए कहाँ आदेश हो रहा है? तो क्या क्या वो लिख के क्या भेजे हो तुम लोग? क्या चीज लिख के? नहीं, वो सेंक्शन के लिए है कि तीन तीन लाख रुपया तुम वेतन से काटोगे, वहाँ चिट्ठी भेज रहा है, तुम वेतन से काटोगे मेरे? तुम रुको, मैं बताता हूँ तुमको, मैं नगर आयुक्त हूँ। रुको, मैं बताता हूँ, जितना तुम लोग सूझ रहा है ना, तुम लोग आराम से बात करो, दिमाग खराब रहता है तुम लोगों का। चलो, अरे वेतन से काटने की बात तो देना पड़ेगा। तो लखनऊ का गाली गलौज उपनगर आयुक्त ऑडियो आपके सामने, पूरे मामले को आपने सुना और किस तरह से संतोष यादव, जो उपनगर आयुक्त का नाम है, वो किस तरह से पेश आ रहे हैं प्रवीण से, जो कि पीड़ित है, जिनको बद्दी बद्दी गालियां दी, वो हमने आपको ऑडियो सुनवाया। ये सरकारी पदों पर हैं लेकिन मर्यादा भूल गए हैं, किस तरह से पेश आ रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। और कुत्तों के झुंड ने बच्चे